मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि पेरिस पैरालंपिक के पदक विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के लिए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी से सम्मानित किया जाएगा। यह घोषणा मंगलवार को पेरिस पैरालंपिक प्रतिभागियों के सम्मान में भाजपा कार्यालय में आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम मोहन यादव ने पैरालंपिक पदक विजेताओं को समान स्तर के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्हें अपने संबंधित खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखने और राज्य और राष्ट्र दोनों को और गौरव दिलाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ने लगातार ओलंपिक हो पैरालंपिक हो सभी क्षेत्रों में समान रूप से उन्नति हासिल की है। आज हमारे अपने मध्य प्रदेश के बच्चों ने भी पैरा ओलंपिक में 3-3 बच्चों ने पुरस्कार हासिल किए। इस अवसर पर खेल विभाग के अनुसार हमने जो ओलंपिक में गए उन बच्चों के लिए भी 1 करोड़ रुपया और नौकरी देने की घोषणा की थी। आज जो पैरालंपिक में बच्चे आए ये तीनों बच्चे प्राची पूजा और कपिल परमार तीनों के लिए 1-1 करोड़ की देने की घोषणा करते हैं। इनको भी नौकरी सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये दिव्यांगता के क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री का जो उदार भाव है और जिस ढंग से प्रधानमंत्री जी सबके लिए काम करते हैं हम भी उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जो मन में हासिल करे उस दम आगे बढ़े। सरकार उनके साथ रहेगी, खिलाड़ियों के भी साथ सरकार है। मेरी अपनी ओर सबको बधाई।